हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ एंड जैसे कि आपको पता है मैं हूँ देहरादून में। और जब भी मैं देहरादून आती हूँ तो मैं एलिशा को कॉल करके या मैसेज करके बताती हूँ कि मैं देहरादून आ रही हूँ एंड मैं देहरादून आ चुकी हूँ। बट इस बार मैंने उसको कुछ कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। और ना जो कल हमने दसवीं मनाया था उसका पिक्चर ना मैंने व्हाट्सएप पर लगाया। वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ फोटोज, तो मैंने ऐसे उसको दिखाने के लिए लगाया। ये देख सकते हैं आप, ये जो फोटो है ना मैंने स्टेटस में लगा रखा है ताकि वो देखे और उसको पता चले कि मैं देहरादून में आ रखी हूँ। उसका सुबह सुबह स्टेटस देखने का मैसेज भी आया, कहाँ है बे तू करके। तो फिर मैंने उसको लिखा है देहरादून, और सिर्फ मैंने देहरादून ऐसे लिखा रूडली, क्योंकि गाइज मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैंक करने वाली हूँ आज। अब देखते हैं अगर वो मैसेज पढ़ने के बाद क्या रिप्लाई देती है और कॉल करती है, तो फिर तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी एंड मैं उसको थोड़ा रूडली बात करूँगी कि नहीं यार मुझे नहीं मिलना था इसलिए मैंने तेरे को कॉल नहीं किया। और फिर ऐसे थोड़ा सा मतलब वो नहीं तो ऐसे मैं उससे गुस्सा हूँ टाइप, ऐसे टाइप का मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। मज़ा आएगा। मैं आए हुए 3 दिन हो गए आज और मेरे को ऐसा कब से हो रहा था मिलूँ 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 मिलूँ, मन से बहुत हो रहा था। बट मैंने सोचा था प्रैंक करूँगी, तो जब उसका कॉल आएगा तो वो क्या बोलती है एंड मैं जो उसको बोलूँगी उसमें कैसे रिएक्ट करती है वो देखेंगे। तो अभी देखते हैं खाने में मम्मी ने क्या बनाया है। खाना खाते क्योंकि भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया था। यहाँ पे तो मेरा ऐसे सीन है, मैं उठती हूँ 12 बजे करीब, उसके डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। खाने में आज बना है ग्रीमला की सब्जी। हाय 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 मत बोलो। क्या है ये? ग्रीमला तोरी 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 है और दाल है और चावल बन गया है। मान लिया रात का चिकन है। हाँ ठीक है ना। यस थैंक यू। शॉपिंग कर घूम तेस्तो ना सोच आइले देगी। गाइज मेरा भाई कितना समझदार हो रहा है, बोल रहा है खर्चा कम करना है, शॉपिंग नहीं करना। मैं अभी खर्चा कम करूंगा, हम बोल रहे शॉपिंग कर ले। इधर दीदी भी बोल रही है, मैं भी बोल रही हूँ। वही तो। हाँ और इसको ऐसा हो गया कि ओहो कहता कि नहीं अब मैं बहुत चेंज अपने लाइफ को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। हाँ कंट्रोल में रहूंगा रे। अब तू चेंज कर रहा है, हमें टेंशन हमें हो रही है। वही तो, इतना शॉपिंग करने वाला बंदा कह रहा नहीं अभी मैं थोड़ा कंट्रोल में रहना सीख रहा हूँ। ये इतना कमाता है भाई। खर्चा करो तो चीखती है। अच्छा अब जब खर्चा नहीं कर रहा था जहाँ खर्चा। अच्छा ये बता, मैंने तेरे को कभी भी शॉपिंग के लिए चीखा? नहीं नहीं जब करके आता था तब तो बोलती थी। और अभी देख, अभी मेरे को फिर फील होता है ना कि बेचारा इतना शौक है कपड़े खरीदने का, एक ही तो शौक है बेटे को कि शॉपिंग। वो चीज कंट्रोल करेगा तो फिर मेरे को वो लग रहा है ना बुरा। सीख रहा हूँ ताकि आगे जाके थोड़ा सा सतर्क हो पाऊँ ना मैं। अभी से ये अंधाधुन पैसा खर्च करूंगा, फिर आगे जाके अगर बाद में रिग्रेट होगा कि अरे यार पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, समझ रहे हो? तभी इसीलिए अभी कुछ नहीं हुआ। वेरी गुड बॉय माय बॉय। चल चल ठीक है ठीक है, वो कर फिर भी ठीक है ना। बहुत वो क्या कहते हैं सोचने लग गया। हाँ आकाश ऐसा आज हो गया आजकल। आजकल अपना जैसे रूम वगैरह भी ना, अभी जब से ये सोचे हुआ तब से अभी अपना रूम का भी ना जैसे कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह सब चीज मिलाता है। मैंने देखा था वो तो मम्मी के ब्लॉग में। अभी ऐसा हो गया शॉपिंग नहीं करना, पैसे बचाने हैं, ये नहीं लेना वो नहीं लेना। मैंने बोला मैं भेज देती हूँ कर ले, बोला नहीं मुझे अभी कंट्रोल करने को सीखने दे कि कंट्रोल करना है। अब ये बोलता है मैं जाऊँगा तो शॉपिंग करना भी तो है, वही जा रहा होगा फिर हजारों खर्चे होंगे, तो इसलिए मैं बड़ा समझदार हो रहा है मेरा भाई धीरे धीरे धीरे। भाई भाई मेरे को ऐसा लगता है भाई इतना कमा रहा है पैसा तो इसको इतना कुछ चीज़ में खर्च नहीं करता, ये करता है सिर्फ शॉपिंग में अपने कपड़े। ऑब्वियसली यार डांसर है, डांस का रील बनाना होता है तो हर एक रील में न्यू कपड़े तो चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं तो ले ले कपड़े। तो फिर भी अभी ऐसा हो रहा है नहीं अभी नहीं लेना, मुझे अभी नहीं लेना। समझदार होता जा रहा है वो, समझदार हो रहा है। हमें भी टेंशन होता है कि अब वो ये क्यों नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा। हाँ और हमें पता है ना कितनी शॉपिंग करता है वो, कितना पसंद है उसे। ऐसा हो रहा है यार क्यों नहीं ले रहा, क्या हो गया इसको। कोई नहीं अभी मैं जाऊंगी नेक्स्ट टाइम, फिर मैं इसको तब शॉपिंग कराऊंगी टन इतना सारा। रेडी हो जाओ भाई। हाँ हाँ रेडी, बस हमें तो टाइम नहीं लगता, आपको टाइम लगता है तो आप तैयार हो जाओ। ओ माय गॉड डायलॉगर। रेडी हो रहे बस फटाफट, चलो रेडी होके मिलते हैं। तो गाइज अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी और मैं मार्केट। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट काम मुझे कराना है, मेरा ब्लाउज़ वगैरह सिलवाना है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी नई साड़ियाँ हैं जिसका ब्लाउज़ नहीं सिला हुआ है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि देहरादून आ ही रखे हैं तो
ब्लाउज भी सिलवा लेते हैं। तो अभी मैंने निकाल लिया है साड़ी, फिलहाल अभी मैं सिर्फ ये चार साड़ी लेके आई हूँ, और भी है जो कि घर पे है। ये चार साड़ी का मुझे ब्लाउज सिलवाना है, तो यस अभी इसको देते हैं सिलवाने के लिए। तुम तो बहुत जल्दी रेडी होने वाली थी। बस अब बस ये पैक करके, बस टाइम देख मेरे को कितना लगेगा, सिर्फ 3 मिनट। ओहो, आपसे जल्दी मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, दरवाजा भी बंद कर दिया है, मैंने मास्क लगाया क्योंकि हमारे यहाँ देहरादून में हर जगह ये रास्ते जो है ना खोद खोद के पूरा धूल मिट्टी बना दिया है। और उस दिन मैं बाहर गई थी एक बार, ओ माय गॉड, मेरे तो नाक में पूरा एलर्जी हुआ, रात भर मैं सो नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने मास्क लगाया अभी। और मम्मी और मैं जा रहे हैं, पापा तो फिर से गए हैं सहारनपुर काम से, क्योंकि उनका 4-5 दिन तो मजे से काम है वहाँ पर। तो अभी निकलते हैं, या मम्मी भी रेडी हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं हमारे पुराने, कितना साल हो गया मम्मी? बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए है ना इसको, बहुत साथ दे रही पर। हाँ और मम्मी का ये देखो गाइस, हमारे घर पे कभी भी हेलमेट टिकता ही नहीं है, है ना मम्मी? कभी भी जितने बार भी लो हेलमेट ऐसे ही रहता है, शीशा टूट जाता है उसका। ये पूरा बैग भर के, हमारा पूरा साड़ी ब्लाउज है इसमें पूरे बैग भर भर के। ये देखो गाइस पूरे रास्ते की हालत कितनी खतरनाक हो रखी है, बाप रे बाप। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट, तो सबसे पहला काम देंगे हम ब्लाउज सिलाने के लिए। ये वही शॉप है जहाँ पर मैंने अपनी पूरी शादी का ब्लाउज जो भी है वो यहीं से सिलवाया था, तो मैंने सोचा यहीं से सिलवाती हूँ। 20 तारीख चाहिए। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अनिशा के ऊपर प्रैंक करने वाली हूँ, पर वो इंट्रो मैंने शूट किया था 15 तारीख को और आज हो गए हैं 17 तारीख। 15 तारीख को उसका लास्ट मैसेज आया था, कहाँ है भी तू करके, फिर उसके बाद मैंने देहरादून लिखा था थोड़ा रूडली क्योंकि मुझे प्रैंक करना था ऑब्वियसली। 15 तारीख का दिन है और आज 17 तारीख है, अभी तक उसका कोई मैसेज कॉल मुझे नहीं आया। व्लॉग डाल ही रही है, रील डाल ही रही है, पोस्ट कर ही रही है, ठीक है। मुझे ये हर्ट हुआ कि चल ठीक है, उसको मे भी लग रहा होगा कि वर्षा ने मुझे नहीं बताया, पर मेरे को तो था कि मेरे को प्रैंक करना है, पर एटलीस्ट वो मुझे कॉल कर सकती थी, अभी तू कहाँ है क्या है, तो उसने मुझे कॉल नहीं किया। आज 17 तारीख हो चुकी है गाइस, आज मैं उसको कॉल करने वाली हूँ एंड देखते हैं कि वो क्या रिएक्ट करती है। हेलो हेलो, हाँ भाई बड़े लोग बोलो। अबे चल जा भाई, देख लिया मैंने तेरे को भी, ठीक है। ओ बहन की लगी, तू आ भी नहीं, तूने एक बार भी नहीं बताया हमें, पहली बात तो सुन ले। मेरे को इतना बुरा लगा ना जब मैंने फोटो देखा और तू यहाँ दसी मना रही। मैंने सोचा था इस बार मैं कॉल नहीं करूंगी, एलिसा को थोड़ा रूडली बात करूंगी, एंड मैंने पूरा प्लान करके रखा था कि मैं एलिसा के ऊपर प्रैंक करूंगी कि अब से हमारी दोस्ती ऐसे से, मैंने पूरा प्लानिंग की थी। बुरा लगा फोटो देख के, मेरे को मतलब क्या बोलूं, रहन दे तू। भी बोला कि ये आ रखी है, इसने बताया भी नहीं एक बार भी, मैंने फोटो जैसे ही देखा मेरा तो भयंकर मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने बोला इसने मुझे बताया कि नहीं आई है बोल के, क्या बात। तो मैंने जानबूझ के तेरे को फोटो दिखाने के लिए लगाया था बहन, खुद सोच मेरे को सपना थोड़ी आ रहा है। तूने स्टेटस देखा, तूने देखा, तूने रिप्लाई दिया, तूने पता है क्या लिखा, देहरादून। हाँ तो मेरे को प्रैंक करना था ना तेरे ऊपर भाई, खराब हो गया। मैंने बोला यार इतना रूड क्यों बात कर रही है, तूने तो मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया, दिमाग खराब हो गया। बस रहने दे चल ठीक है ठीक है, दिख गई तेरी दोस्ती भाई, तू इतना सोच, जब तू दिल्ली आई थी, जब मैंने तेरा व्लॉग देखा, मैंने तो तेरे को खुद से कॉल किया था ना कि मैंने हाँ कि तू कहाँ है, फिर तू तो कि कहाँ है तू, मैंने वैसे लिखा जैसे मैं हमेशा लिखती हूँ। हाँ तो मुझे पता है, और तूने देहरादून लिखा, मैंने बोला तो मेरे को रूडली बिहेव करना था भाई, मेरे को प्रैंक करना था, तो मैं रूडली बिहेव कर रही थी ना तेरे साथ, मैंने वैसा लिखा, तुझे एक बार कॉल करके तो होना चाहिए ना कि हाँ एक बार कॉल कर लूँ कि यार कहाँ है। मेरा पता क्या था, मुझे लगा अभी तू अभी अपना वो मतलब फैमिली के साथ है, टीका वीका ला रही, मैंने इससे बाद में बात करती हूँ। मैं सोचा छोड़ यार अभी बात नहीं करूंगी, अभी उसका मूड खराब हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तभी इसने ऐसा रिप्लाई दिया, मेरे दिमाग में ये था। तो फिर भी भाई एक बार एटलीस्ट तू कॉल तो कर सकती है ना, इतना बता, तू कॉल नहीं कर सकती क्या एक बार भी कि तू कहाँ है? मैं पता क्या सोच रही थी कि नहीं नहीं इसको ऐसा होगा, ये ना आएगी और मुझे ना सरप्राइज देगी, हमेशा ऐसे ही करती है। मुझे लगा ये शाम को आएगी, दिन को आएगी, तू आई नहीं। अबे चल चल रहने, इतना ईगो हो गया कि तूने वहाँ की कॉल भी नहीं करना समझा। चल ठीक है यार, तेरे को जो भी है तेरे मन में जो भी रहेगा, चल ठीक है, थप्पड़ इतना मारूंगी ना वहीं आके। अभी अबे चल निकल यार, आने की जरूरत भी नहीं है। मेरे को पता है बुरा कब लगा, मेरे को ये लगा मैंने जैसे फोटो देखा, मेरे को माँ कसम बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। तो उसके बाद मैंने मम्मी को भी बोला था, फिर मम्मी ने बोला क्यों क्या हो गया वर्षा को, मैंने बोला मुझे नहीं पता यार, अभी 3 दिन पहले हमारी बात हुई थी और वो आ रही है भी उसने बताया नहीं। फिर बोला था आंटी ने भी बात किया था, मैंने बोला आंटी ने भी बताया नहीं आ रही है बोल के, मैंने बोला
उसको दिक्कत होगी वो बाद में क्लियर कर लेंगे, अभी उसको टीका वीका लगाने दो, ये बात हुई थी मेरी कल तक। फिर मैं कल सुबह चली गई थी, फिर मैं शाम को आई, मैं सोचा चल इससे बाद में बात करूंगी। मैंने तुझे अबे रहने दे यार, बंदी व्लॉग डाल रही है, स्टेटस डाल रही है, रील डाल रही है, एक भाई कॉल होता है, तेरे जगह मैं होती है, तूने स्टेटस डाला होता ना मैं तेरे को कॉल करती, पर तेरे को नेचर कैसा है? अबे नेचर वाली बात की बात नहीं भाई, ऐसा नेचर हो गया क्या? चल ठीक है तुझे ऐसी नेचर रखना है तो तू रख, मैं तेरी जगह होती हाँ तो ऐसे आती तो तुझे गुस्सा नहीं आता, तो तू ऐसा प्रैंक करने का सोचती, मुझे गुस्सा आता, पर मैं तेरे को ये बोलती कि अरे तू आई है, तूने बताया नहीं, जो भी रहता आगे का कंटिन्यू तू करती, पर तूने तो मेरे को कॉल भी नहीं किया, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। मैंने चल ठीक है यार, इसका मतलब अलग होगा, इसका क्या पता अब नहीं वो होगा कि हाँ एक ईगो आ गया होगा, जो भी चीज होगा छोड़, मैं वैसे भी इस बात को मेरे को इतना बढ़ाना भी नहीं है, ठीक है जो भी है, अब मेरे को था, चल ठीक है मेरे को मैं, अबे चल जा चल, तेरे जैसे स्क्रिप्टेड प्रैंक नहीं बनाती मैं, समझ गई? अच्छा बढ़िया ही, हमारी दोस्ती इतनी कच्ची है कि तुझे बुरा लगा और तूने मैसेज और कॉल भी नहीं किया। तुझे पता मैं वैसी हूँ नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं बोल पाती, मैं सोचा टाइम देते हैं, ये खुद ही बात करेगी, अभी इसका मूड खराब होगा, कुछ बात होगी पक्का। तू अपने आप से दिमाग में लगा के, तू अपने आप सोच के, तू कॉल नहीं करना वो करना सोचेगी तो वो तो तेरी थिंकिंग है ना, फिर उसमें तो मैं तो नहीं बोल सकती ना कुछ। वो अलग वो प्लान कर रही थी और मैं अलग कुछ सोच रही थी। चल ठीक है ठीक है, अच्छा एक बात बता मेरी कहाँ पे गलती है भाई? मैं गलती वाली बात ही नहीं है, मुझे ऐसा लगा था कि दोस्ती नहीं रखनी होगी इसलिए तुम मुझे इग्नोर करके, मुझे ये लगा था। ठीक है तुझे लगा तो सही है, फिर तू यही सोच ले, मैं तो यही बोलूंगी, अब क्या ही बोलूँ, अब जो हो गया हो गया, छोड़ा मुझे इस टॉपिक में बात भी नहीं करनी, अब रहने दे, तूने यही सोच लिया तो तू लाइफ टाइम यही सोचते रहियो कि हाँ ऐसा ऐसा वर्षा ने ऐसे किया था, वर्षा ने मेरे को रूडली रिप्लाई दिया था और मैंने अपने दिमाग में ऐसा सोच अपने आप ऐसा सोचा था, रहने दे यार, मुझे तो सच में बहुत हॉट हुआ, मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने चल ठीक है यार, हॉट हुआ ना, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ कर रही है तू बोल के यार, चल ठीक है यार छोड़ अब क्या, मैं चल यार सॉरी, मेरी अगर मेरी तरफ से तुझे बुरा लगा हो। अबे रहने दे यार, सॉरी सॉरी छोड़, मेरे को तो बात ही नहीं करनी इस टॉपिक में। अरे यार ऐसा क्यों बोल रही यार, मैं भी तो वही गलती सोच रही थी ना, बाद में करती हूँ तेरे को, चल बाय। तो गुस्सा क्यों, मैंने उठा दिया। गाइज आप ही बताओ, मैं आई थी 13 अक्टूबर को यहाँ पे, ठीक है, वो भी शाम को पहुंची थी, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा। उसके बाद 14 को उठी लेट, फिर 10 से दूसरे मनाया, 15 तारीख को मैंने सुबह स्टेटस लगाया, उसकी भी गलती नहीं है, उसको लगा कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, चल ठीक है, पर उसको नहीं पता था मैं प्रैंक करने वाली थी, तो उसको थोड़ा सा हॉट हुआ, हर बार आती है बताती, तो इस बार नहीं बताया, इसको वैसा लगा है ना, पर इसकी भी गलती है ना कि भाई जब मैं आई हूँ, जब इसने देख लिया कि मैंने देहरादून लिखा है, तो एक हक होता है यार दोस्तों में, क्या ओए तू आई तूने बताया क्यों नहीं बे, इसकी जगह मैं होती मैं बोलती, अगर ये कॉल नहीं उठाती तो मैं इसके घर जाती, क्या बे तूने क्यों नहीं वो किया, मैं एक बार अपने साइड से कोशिश करती कि जाऊं बात करूं, उसके बाद अगर ये इग्नोर करती तो फिर मैं बात करना बंद करती, आगे से कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, मेरे को उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी अब। कॉल कर दी, 4 मिस कॉल कर दिए। Hi guys, another day and same vlog। तो ये पूरा ही vlog मैंने prank के ऊपर बनाया, तो मतलब 15 तारीख से आज 18 तारीख हो गया, तब से मैं इसमें हर एक पार्ट डाल रही हूँ, तो आज ये vlog का last final round होने वाला है, क्योंकि अभी Alisha आने वाली है, और मैं सुबह से message में बात कर रही, call पे बात कर रही, ऐसा normal बात कर रही जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं होगा, ऐसे नॉर्मली बात करी, क्या कर रही है तू, कहाँ है, चल मैं आ रही हूँ, हाँ ऐसे ऐसे, मेरे को लगा इसको क्या हो गया, मतलब ऐसे नॉर्मल कैसे रिएक्ट कर सकता है कोई इतना किसी को हर्ट करके, मतलब ऐसा नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है, मतलब उसके में ही हो गया कि यार उसको भी थोड़ा हर्ट तो हुआ ही होगा, पर ये कि वो भी आने वाली है, उसको मस्त सुनाने वाली हूँ तगड़ा, देखते उसका क्या रिएक्शन होता है, उसके बाद ये ब्लॉग एंड करते, बहुत लंबा होने वाला है ये वीडियो। तो गाइस ये आ चुकी है फाइनली, एंड ऐसे रिएक्ट करे जैसे कुछ भी नहीं हुआ होगा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ था ऑब्वियसली, नहीं नहीं आपने बहुत बड़ी गलती की थी जिसकी, अच्छा बेटे मैंने गलती करी थी, देखो गाइस दोनों ही साइड से गलती थी, हाँ बट ठीक है हो जाता है, इस नहीं भाई तुम मान या ना मान, तेरी थोड़ी सी तो थी देख, मेरा मतलब ये था कि मुझे भी हर्ट हुआ था, हाँ हाँ, तो मैं ना सॉग्ड हुई थी, मैं सोची अभी मुझसे बात नहीं करेगी, और मेरे दिमाग में ये था कि हुआ क्या बात, अचानक से इग्नोर मार रही मैं हैंग कर एक तो, अबे यार मैंने क्या सो, मैंने सोचा ओहो Alisha मुझे कॉल करी, वाह वाह वाह, मैं उसको एकदम डांटूंगी गाइस, ये मुझे कितने
तीन चार दिन से ही स्टार्ट कर दिया था इसे इग्नोर मारना। मैं सोच रही, मैं घर में भी बात कर रही थी मम्मी से कि यार क्या बात होगी, ये इग्नोर क्यों कर रही है, कार्तिक और मैं भी डिस्कस कर रहे थे इग्नोर क्यों कर रही है, मैं सोचा कुछ होगा बात होगी, फिर उसके बाद ये यहाँ आ गई देहरादून, और ऐसा पहली बार हुआ कि ये आई और इसने मुझे बताया। अरे भाई मेरा कितना मन कर रहा था, पता है 3 दिन पहले ही बात किया था, तो मैं तेरे को कैसे बताती थी मैं आ रही हूँ। मेरे को इतना बुरा लगा था ना जब मैंने ऐसे, मैं सुबह ही हुआ था शायद, सुबह सुबह ही डाला था मैंने, मतलब मेरा तो थोड़ा लेट सुबह होता है, तो जैसे मैंने फोन देखा मैंने बोला हाँ ये तो घर लग रहा है, साड़ी देखा ये भी नया साड़ी है, पिछले साल तो इसने पहना नहीं था दसवीं में। फिर मैंने इसको मैसेज किया, रिप्लाई आता है इसका देहरादून, मेरा वही दिमाग खराब, मैंने बोला अब तो मैं इससे बात ही नहीं करूँगी, मैंने भी अपने ईगो में मैंने बात ही नहीं करूँगी, बात ही नहीं करूँगी, और मुझे क्या पता ये सारे प्रैंक कर रही है। वही मेरा प्रैंक तो जिस तरीके से तूने चौपट किया है ना, थैंक यू, मेरे से मतलब तू प्रैंक नहीं कर सकती, सीरियस हो जाता है हमारा प्रैंक, बहुत सीरियस हो गया। अभी मैंने फर्स्ट टाइम प्रैंक करने की कोशिश की और सीरियस हो गया, मैंने बोला अबे यार शिट ये तो पूरा चौपट हो गया, और इतना दिमाग गुस्सा लगा रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा, ये सोच रही मैं कब फोन करूंगी, हाँ मैं सोच रही मैं फोन ही नहीं करूंगी, मैं सोच रही कभी कॉल करेगी, मैं आगे की प्रैंक कंटिन्यू करूं, प्रैंक कंटिन्यू हो ही नहीं रहा, खुद ही बेचारे फोन करके गुस्सा कर रही, और जैसे मैंने कॉल किया ना मैडम भाई बड़े बड़े लोग नहीं, मेरा सच में मेरे को इतना दिमाग खराब, मैं बता क्यों नहीं रही है, आ गई पहुंची, मुझे लगा चल शाम को फोन करेगी, अबे आ जा चल आ जा, तो भी नहीं बता रही भयंकर, चल कोई नहीं। मैंने तो पूरा था कि मैं एलिसा से दोस्ती तोड़ने वाली हूँ, और हमारे दिखाइए जरा कैमरा दिखाइए मेन चीज तो ये है कि गलती मैं इसकी भी नहीं बोलूंगी पूरा, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जगह मैं होती तो मुझे भी बुरा लगता, इसकी 1% छुट्टू सी ये होगी कि इसने कॉल नहीं किया, पर अगर सच में मैं इसकी जगह मैं होती ना तो मैं इसको हक से कॉल करती कि तू आई तूने मुझे बताया कि नहीं, सच में मुझे तो डर लग रहा था उससे, मैं ये बात नहीं करती ढंग से, इसका गुस्सा मुझे पता है कैसा है, मैं सोचा टाइम देते हैं इसको, अब मुझे क्या पता टाइम दूंगी और गुस्सा बढ़ते जाएगा इसका। 15 को सुबह हम लोग का मैसेज में बात हुआ, दो ही मैसेज हुए, ठीक है वो मैसेज हुआ, उसके बाद शाम को जैसे दिन हो गया, मम्मी एलिसा का कॉल आया, फिर शाम हो एलिसा का कॉल आया, फिर 16 तारीख सुबह मेरा अभी नहीं आया, मैंने मम्मी को डांट दिया, आंटी बिचारी बिचारी फिस गई यार बीच में, मेरी मम्मी बोला अभी नहीं आया, जब आया मैं बता दूंगी बार बार एलिसा का कॉल आया, एलिसा का नहीं आया, तेरे बस से वो सैसे मत कर, मैंने इसको बोला बता के कर देती प्रैंक, हाँ मैंने बोला फिर तेरे जैसे क्या बोल रही है, तेरे जैसे स्क्रिप्ट थोड़ी प्रैंक करती हूँ, अरे यार वो मजा भी आया था सुनने इतना गंदा बेइज्जती कर रही हूँ, तेरे जैसे स्क्रिप्ट थोड़ी कर रही हूँ, चल कोई नहीं, और नहीं यार थोड़ा सा मतलब होता है ना कि यार गाइस, मेरे को हॉट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि कॉल करेगी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं हमेशा कॉल करती हूँ, हमेशा, और इस बार मैंने खुद सोचा मैंने बोला इसको फोन नहीं करूंगी, इसने मुझे बताया नहीं ना, अब मैं उसको फोन नहीं करूंगी, अब मैं देखती हूँ कब तक ये करेगी नहीं और कहीं चली ना जाइए, और फिर मुझे बाद में पता चला ये तो आ रखी 13 तारीख को तेरे को आई थी, फिर मैंने मम्मी को बोला ये 13 की आ रखी है, इसने मैसेज इसका स्टेटस भी मैंने आज देखा है, चलो कोई नहीं, बस ये हुआ कि गाइज हमारे बीच में ये हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई, प्रैंक फेल हो गया, दूसरा तीसरा चीज ईगो भी थोड़ी सी हो गई कि और अब इस बार मैं नहीं करूंगी, इस बार वाली चीज आगे से ये नहीं करना, दोस्ती टूट सकती है इतनी, अरे चलना कोई इतनी कोहिनूर हीरा जैसे बेस्ट फ्रेंड खो सकती है तो अब कुछ भी कर लो, क्या कोई भी तीसरा भी आ जाए तब भी दोस्ती नहीं टूटेगी, तो लिख के ले ले, लिख के दे चल, हाँ लिख के दे, सिग्नेचर कर देती हो, नहीं होगा कुछ भी, मतलब ना हमारे बचपन से ना हमारे फ्रेंडशिप में ना ये है कि हम लड़ते भी है ना तो हम कभी अलग नहीं होते, हाँ हाँ चल लड़ाई भी हो गुस्सा भी हो वो हम दोनों का नेचर ही सेम है, गुस्सा हाँ। होता है फिर हम लोग बात नहीं करते, पर फिर हम खुद ही हमें चाहिए दोनों ही, मेन चीज क्या है ना मतलब सब हमारी ही दोस्ती नहीं बोलूंगी आगे भी कोई भी यार किसी की भी दोस्ती में लड़ाई तो होती है, देख मतलब ऐसा नहीं होता, देख अभी तक हमारे से लड़ाई नहीं हुई यार, मतलब ऐसा लड़ाई हुआ ही नहीं, मतलब ये लड़ाई नहीं था, हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग था जो कि इन्होंने क्रिएट किया था, फिर अभी लड़ेंगे क्या अभी नहीं, मतलब हम लड़ते नहीं है, हम लड़ते नहीं है, मतलब ऐसे टच कर दू जरा मतलब मेन चीज है कि हम लोग मतलब मेरा तो कहना ये है कि अगर दोस्ती में तुम इतना करो
दोनों साइड से करो तभी अच्छा लगता है दोस्ती। और दूसरी चीज, अगर लड़ाई हो रही है या कुछ भी चीज हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, जब आगे से तुम आके क्लियर करोगे, जैसे हम दोनों के बीच में हुआ, मैंने भी आगे से कॉल किया, अगर मैं भी नहीं कॉल करती, ये भी बाद में कॉल करती, क्या तो तब तक हमारी दोस्ती भसड़ हो जाती। तो इसलिए नहीं होती, मेरे को पता था दोस्ती वगैरह तो टूटने वाला नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसे मजे ले रही थी, चल ठीक है, मैंने उसको फोन में थोड़ा डांटा, फोन में भी थोड़ा सुना, मैंने सोचा था यहाँ पे आएगी ना, उसको तगड़ा सुनाऊंगी, पर नहीं सुना, और सुना नहीं पाई भाई, ऐसा हंसते हुए चेहरे से आ रही है, फिर उसके कॉल पे भी ऐसे नॉर्मल बात करी, सुबह सुबह मैसेज भी भेज रही, मैंने बोला अब यार इसको क्या हुआ, ये ऐसा नॉर्मल रिएक्ट करी, इसको मैं कैसे डांटूं, यहाँ पे आने के बाद भी चेहरा देख रहे, मतलब मुझे लगा नहीं कि प्रैंक इतना सीरियस है, मैं मतलब इतना जल्दी सीरियस नहीं लेती हूँ मैं, और जब कुछ बात है ही नहीं तो किस बात का गुस्सा करे यार। देखो चलने वाले तो चलते रहे, हमें क्या, हमें तो बस जलाना है, मजाक करें, पर जो भी है कि ऐसा नहीं है, हम लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ। मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो कि हम लोग के बीच में है। हाँ, जैसे कि अगर ये कहीं चली जाती है तो ये नहीं कि मैं मुंह खुला के बैठ जाऊँ कि नहीं यार इसने ये किया वो किया, मतलब वो हम लोग मानते हैं कि वो बिजी है तो वो बिजी है, मैं बिजी हूँ तो मैं बिजी हूँ, इसने मुझे टाइम दिया मैंने इसे टाइम दिया, लास्ट में हम दोनों ने एक दूसरे को टाइम दे रहे। यस, ये विराम हो गया। एलिशा मनाने के लिए हमें मटन बना के खिला रही है। अब कुछ थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मनाने के लिए, नहीं तो इसके पड़ते बहुत। बस एक मटन बना दिया, वर्षा आ गई। वर्षा को मनाने का तरीका है। हाँ, बस मटन बना दो मस्त, और बस अब ऐसे यार ठीक है, हो जाता है। लंबी हो गई है अलीशा। हाँ भाई, लंबी का राज ये थोड़ा इनके हाइट के हिसाब से किचन और मुझे अपने हाइट के हिसाब से बनाना पड़ता है। ठीक है भाई, अभी हम खाएंगे मटन। टेस्टी लग रहा है यार मटन, कुछ घंटे बाद बन जाएगा। यस, थैंक यू, मुझे खाने का मन भी कर रहा था। और इसको मैंने इतनी बार सिखाया है लाइव, मैं नहीं सीख पा रही, मेरे से बनता ही नहीं है ये, इसके ऐसे मैंने बनाने की बहुत कोशिश की पर नहीं बन रहा, मतलब क्या नहीं बनता, ऐसा कलर भी नहीं आता, टेस्ट भी नहीं आता, लुक भी नहीं आता, छोड़ और तो कुछ छोड़ ही देता। भगवान ने सिर्फ मुझे दिया ये टैलेंट, तभी तेरे से बात कर रही हूँ, मैंने तो हमारी लड़ाई हो जाती है। अच्छा, मटन के लिए कि मटन खाने को मिलेगा। मम्मी और मैं आज बात ही कर रहे थे कि यार अलीशा के हाथ में मटन खाने का मन कर रहा है, और आज अलीशा आ भी गई और मटन बन भी गया। मेरे मन की आवाज ऐसे पकड़ गई और मैं आ गई। आज नहीं आती तो अलीशा कभी नहीं आती है व्लॉग में, नहीं नहीं मैं आती। तो गाइज मटन भी खा लिया, एंड मैंने मटन खाया हुआ नहीं बनाया, क्योंकि वो सेम चीज क्या खा के बताना, ऑब्वियसली अलीशा ने बनाया तो टेस्टी तो हो गई। सो मेन चीज ये है कि हम दोनों की दोस्ती दोबारा सुलह हो चुकी है। और आज अलीशा इधर रुक रही है, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ वो रुकती है। और आपको हमारा ये छोटा सा नोक झोंक कैसा लगा वो भी बताना, और अलीशा की जो गंदी हरकत है वो कैसी लगी वो भी बताना, जो उसने हरकतें की है मेरे साथ। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, बाय।